आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मोतियाबिंद की समस्या अब तेजी से बढ़ रही है। कभी ये 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की आंखों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब तो ये 40 साल के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अपने खान पान का खास ख्याल रखकर इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। लोगों में अंधेपन का कारण बनने वाली बीमारी मोतियाबिंद का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। मोतियाबिंद आंख के लेंस में सफेदी आ जाने को कहते हैं, जिसके कारण आंख में प्रवेश करने वाली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके कारण एक ऐसी स्थिति आती है जब मरीज को दिखाई देना बंद हो जाता है। ये बीमारी आमतौर पर 55 से 65 साल की आयु तक होती है, लेकिन कई लोगों में ये बीमारी 40 साल में ही या उससे पहले भी शुरू हो जाती है। मोतियाबिंद का जो है पकने का कारण, एक इंडिकेशन जो मोतियाबिंद का है वो पकने का नहीं है। जब भी विजन में प्रॉब्लम हो, उनकी डे टू डे या वर्किंग डिस्टर्ब हो, तब मोतियाबिंद करवा लें। ज़्यादा पकने, आजकल टेक्निक चेंज हो गई है, आजकल ज़्यादातर सर्जरी फेको की होती है। फेको सर्जरी में ज़्यादा हार्ड कैटरेक्ट में ज़्यादा एनर्जी लगती है, अगर सॉफ्ट कैटरेक्ट रहता है तो एनर्जी कम लगती है, अच्छे होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। पकने के इंतज़ार ना करें, पकने के चक्कर में कभी कभी आँख में काला पानी आ जाता है, जो लेंस इंड्यूस्ड होता है, जिसे हम लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा बोलते हैं। तो काला पानी आ जाता है, काला पानी में क्या होता है, इतना आँख का दबाव बढ़ जाता है, जिससे जो आँख की है नस जो है हमारी डैमेज होने लगती है। वो परमानेंट डैमेज है, इरिवर्सिबल डैमेज है, वो फिर वापस नहीं आती। भारत में मोतियाबिंद के मामले सबसे ज़्यादा हैं। एक अनुमान के मुताबिक 90 लाख लोग मोतियाबिंद के शिकार हैं। मोतियाबिंद मधुमेह और गुर्दे की खराबी जैसे मेटाबॉलिक रोगों, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, ग्लूकोमा, शक्तिवर्धक स्टेरॉयड के सेवन, धूम्रपान और पोषक तत्वों की कमी के कारण भी होता है। जब उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, पहली बात तो पकने का इंतजार न करें। सेकेंड चीज, जब प्रॉब्लम हो रही है उन्हें डे टू डे या वर्किंग में प्रॉब्लम हो रही है, अपना ऑपरेशन करवाएं। तीसरी चीज़ ये है कि जितनी जल्दी करवा लें अगर तो ज़्यादा बढ़िया है। हार्ड करने की या पकने का इंतज़ार करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। टेक्निक अच्छी हो गई, अच्छी से कहीं पर भी आजकल मोतियाबिंद सब जगह हो रहा है, कहीं पर भी अच्छी जगह करवा लें। मोतियाबिंद की शुरुआत आते ही आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। जो लोग चश्मा लगाते हैं उन्हें महसूस होता है कि अधिक पावर का चश्मा लगाने पर भी उन्हें सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता। बारीक अक्षर पढ़ने और टेलीविजन को देखने में आंखों पर दबाव पड़ता है और सिर में दर्द होने लगता है। मोबाइल देखने से जो दिक्कत आ रही है, मोबाइल के लिए पहले तो ये है, कोई भी सिस्टम पर काम करो तो एक घंटे बाद 10 मिनट का रेस्ट जरूरी है आंखों के लिए। किसी भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, किसी भी सिस्टम पर काम। इसमें होता क्या है, इसमें ज़्यादा देर काम करने से हमारी जो आँख के सबसे ऊपर की लेयर होती है, टीयर फिल्म बोलते हैं, उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है। मोतियाबिंद एक आँख में या दोनों आँखों में हो सकता है। इसका तब तक पता नहीं चलता जब तक जांच न कराई जाए। इनके लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आंकड़ों से पता चलता है कि सभी तरह के ऑपरेशनों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सफलता की दर सबसे अधिक होती है, लेकिन मोतियाबिंद को नज़रअंदाज करने अथवा देर से ऑपरेशन कराने के कारण मोतियाबिंद गहरा होता जाता है, फिर इसे हटाना कठिन हो जाता है। लक्ष्मी राज, सी न्यूज़ आगरा।